अस्सलाम वालेकुम ग्रेट एंड स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 का ही एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट लेक्चर है। 4.2 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाले थे, एक में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और एक में प्रॉपर फ्रैक्शन था, और उसको किस तरह से रिपीटेड नेचर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे के बाद। आज इसके अंदर दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी यही है कि अब तरीकाकार वही होगा सारा, डीकम्पोज भी हम वैसे ही करेंगे। ए बी सी में रिपीटेड नेचर को दो अल्फ़ाबेट्स और तीसरा सी अल्फ़ाबेट अलॉट करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस वही है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है कि बाद में फैक्टर्स दिए नहीं होते तो आपने उसको कैसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद सारा प्रोसेस वही है। अगर आपको 4.2 का लेक्चर नंबर 1 समझ आ गया तो इंशाल्लाह ये सवाल आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। लेट 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। अब ये यहाँ डायरेक्ट नजर आ रहा है कि जी जो x माइनस 1 है वो रिपीटेड नेचर का है, जैसे उसको a और b अलॉट करेंगे, और तीसरा x प्लस 1 है उसको c अलॉट करेंगे। और क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है और नीचे उसकी डिग्री 2 थी, जैसे इसको डायरेक्ट हम डिकम्पोज कर लेते हैं ए बी सी में। a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 1। आगे सारा प्रोसेस वही है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ जगह लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 1, राइट हैंड साइड पे ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि एक एक्स माइनस वन था और यहाँ पे 2 थे, लिहाजा एक कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस वन आ जाएगा। सिमिलरली प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ गया। अब अगेन कि जो इसके दो लीनियर फैक्टर्स हैं x प्लस वन और x माइनस वन, दोनों को बारी बारी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है इज इक्वल टू c, डायरेक्ट वैल्यू c में पुट की है, क्योंकि जब हम माइनस वन ए वाले में पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह b के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा, लिहाजा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सी इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन का होल स्केयर, अब 1 इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 2 का होल स्केयर हो जाएगा 4, देन सी इज इक्वल टू 1 ओवर 4। सिमिलरली पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम 1 पुट करेंगे तो ए जीरो हो जाएगा, और इसी तरह सी जीरो हो जाएगा, लिहाजा ए और सी में वैल्यू पुट नहीं होगी, डायरेक्ट बी में करेंगे। 1 इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस 1, विच इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2b एंड b इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ गया। अब वही कि आपको 2 मिल गए, अब तीसरे के लिए एक्सपेंशन करेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इज इक्वल टू अब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपको याद है कि जब कभी भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए तो उसको डायरेक्ट करना है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती, फार्मूला लगा के करें। यानी a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, प्लस बी एक्स प्लस बी आ गया, प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब इसको एक्सपेंड कर दें, 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब सेग्रीगेशन करें, एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लें, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस बी इंटू माइनस 2c, ये एक्स वाले आ गए, और फिर जो कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। अब वही कि हमें बी और सी चाहिए, मिल गया हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म दी थी, वेरिएबल्स मिसिंग थे, तो एक्स के साथ भी जीरो लगा लिया और एक्स स्क्वायर के साथ भी जीरो लगा लिया, ताकि हमारा ऑर्डर ठीक हो जाए। अब अगेन बाय कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए प्लस सी है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो है, जैसा ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर दें, ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 1 ओवर 4 इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। अब ए बी सी तीनों आ गए हमारे पास, ओरिजिनल क्वेश्चन लिखें और उसमें वैल्यूज प्लेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ओवर x² - 1 × x + 1। अब ये और इसमें दोनों में फर्क नजर आ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ था, यानी डायरेक्ट रिपीटेड नेचर में था। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिपीटेड नेचर नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ,
इसका मतलब है हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर बनाएंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, फिर इसको रिपीटेड नेचर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन से आ गया। अब देखिए एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन दो हो गए, जैसे इसको लिखेंगे वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब ये वो चीज तकरीबन वैसे क्वेश्चन बन गया, फर्क क्या दोनों में, यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर था इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ पे x प्लस वन होल स्क्वायर हो गया इंटू एक्स माइनस वन, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। नाउ लेट वन ओवर x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a और b x प्लस वन को मिलेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो a ओवर x प्लस वन प्लस b ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस वन। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस था। अब जीरो मेथड यूज करें कि दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट करके इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर वन, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसमें पुट कर दें। जब माइनस वन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर वन था एज इट इज आ गया, ए में वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो कर देगा लिहाजा ए जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सी भी जीरो हो जाएगा लिहाजा वहाँ पे भी नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट बी में वैल्यू पुट कर देते हैं। सो बी इंटू माइनस वन माइनस वन, सो वन इज इक्वल टू माइनस टू बी, हैंस बी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू। अब एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स इज इक्वल टू वन जब पुट करेंगे तो ए जीरो हो जाएगा और बी भी जीरो हो जाएगा लिहाजा सी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वन इंटू सी इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट वन इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, तो वन इज इक्वल टू फोर सी, तो सी इज इक्वल टू वन ओवर फोर। अब बी और सी आ गया ए के लिए, फिर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर वन स्टेटमेंट लिखने के बाद करना है आपने। वन इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यों, क्योंकि अगेन फार्मूला लग रहा था ए एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, उसको डायरेक्ट फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू, ये भी फार्मूले को डायरेक्ट एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब वैसे आगे इसको सेग्रीगेट किया, कोफिशंट्स को अलग किया, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो ये बन गया ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस टू सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी प्लस सी। अगेन अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड पे सिर्फ वन था तो उसकी इक्वेशन की अदर साइड के कोफिशंट यानी जीरो लगा के कोफिशंट को कंप्लीट कर लें। तो वन प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर यानी जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन। अब बाय कंपेयरिंग कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशंट को कंपेयर कर लें, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए सी की वैल्यू पुट कर दी वन ओवर फोर, हैंस ए इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर। और अब दोबारा इसमें ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिखें या जिसको हमने डीकम्पोज किया उसमें वैल्यूज पुट कर दें, हैंस वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन ओवर फोर इंटू एक्स माइनस वन। रिवाइज कर लेते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक ही जैसे हैं, एक में क्या है कि आपको डायरेक्ट रिपीटेड नेचर दी हुई थी तो हमने इसको डायरेक्ट डीकम्पोज किया ए बी सी में और उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो किया। जो क्वेश्चन नंबर एट है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी पहले उसको फैक्टराइज करेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, उसके बाद फिर वो रिपीटेड नेचर का बन जाएगा यानी वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन करेंगे, फिर तकरीबन सेम प्रोसेस है। और इसी तरह से एक्सरसाइज 4.2 हमारी क्लोज हो गई है। मैंने कोशिश की कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो आपको बोर्ड पर करवा दिए। अब इनके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं आप अगर आप इन क्वेश्चन को समझ गए तो वो आप करेंगे तो आपसे ईजीली हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।